आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हैक द बॉक्स के बारे में। सेशन है और डांसिंग जो मशीन है उसको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं आपको और समझाने वाला हूं कि डांसिंग मशीन के अंदर कौन से प्रोटोकॉल है, क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, वो सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम बेसिक बात करेंगे एसएमबी के बारे में, एसएमबी होता क्या है, जिसके ऊपर पूरी लैब जो है हमारी की पूरी मतलब हमारी पूरी की पूरी लैब जिस पर टिकी हुई है, और उसके बाद समझेंगे भाई कि इस लैब को सॉल्व कैसे करना है और किस तरीके से एक हैक द बॉक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट कैसे लेके चलना है इनिशियली स्टार्टिंग से लेके अंदर इनोमरेशन तक, और उसके अलावा फिर कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने फ्लैग को जो हिडन है कहीं ना कहीं सर्वर की गहराइयों के अंदर। तो फटाफट अपना सेशन जो शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, मैं हूं तपन कुमार झा आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज बात कर रहे हैं हैक द बॉक्स डांसिंग लैब के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करें तपन सर क्लास के अंदर फटाफट एक बार हाजिरी लगा दें, प्रेजेंट सर का जो हमारा ट्रेंड है फटाफट एक बार स्टार्ट कर दें। आई नो कि काफी लेट हो गया, तो जो लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पाए वो कल सुबह देख लेंगे एक बार रिकॉर्ड सेशन को। तो फटाफट मैं एक बार सेशन के लिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ आज हमारी तैयारी है। तो भाई अपन ने यहाँ पे काली लिनक्स ऑन कर रखी है, काली, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 लोग आ गए अभी भी, कोई चली बात नहीं है। धीरे धीरे भाई चैट बॉक्स में डाल दो प्रेजेंट सर, पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स जो है अभी रात में अटेंड कर रहे हैं क्लास, ताकि उस हिसाब से फिर अपनी आगे की चीजें चलेगी। फ्रा चैट बॉक्स में डाल दो एक बार प्रेजेंट सर, फास्ट फास्ट गाइस, मुझे शायद चैट दिख नहीं पा रहा। और जो लोग अभी इनिशियल स्टार्ट में आए हैं तो प्लीज एक बार है ना वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स अभी आ चुके हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर आगे पहला किसने प्रेजेंट सर बोला, शिवकांत हमेशा पहले प्रेजेंट सर बोलता है, HSV मिस्टर जैक ने बोला है, नितिन ने बोला है, हेलो 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 हेलो, और कौन कौन आए, और कौन कौन आए प्रोडक्ट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये है डांसिंग लैब, जी आप करवाते हो आप, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी कहीं लेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। आज हमारा सेशन जो है वो 11:30 स्टार्ट करा अपन ने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं ऑलरेडी हैक द बॉक्स के अंदर लकी कुमार रील ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे साथ में, अनुज आ चुके हैं, अभिनव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, और कौन कौन आ चुके हैं, 26 लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर योगेश तनवार आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, उसके अलावा नीरज आ चुके हैं हमारे साथ में, उसके अलावा मिस्टर इन्फिनिटी YT गेमिंग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। हैक द बॉक्स के अंदर आप दिख रहा होगा आपको मियाओ में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, फोन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ मैं, ओम नमः शिवाय अक्षय आ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा डांसिंग की आज हम बात करने वाले हैं, 8 टास्क हमें कंप्लीट करने हैं और 8वें टास्क पे हमें मिलेगा फ्लैग। सो गाइस बता दूं मैं आपको, जैसे कि आपने टैग्स टैग्स से आप ऑलरेडी देख लेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करके मैंने अब दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो मैंने ऑलरेडी अपने मशीन को जो है कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, सिर्फ डाउनलोड करके स्टार्टिंग पॉइंट को, जिसको नहीं पता कैसे करना है क्या करना है तो भाई स्टार्टिंग वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें पूरा मैंने बता रखा है कैसे कनेक्टिविटी करनी है। कनेक्टिविटी करके मैंने स्पॉन कर दिया यहाँ पे और मैंने स्टार्ट कर दिया मेरी मशीन को, मशीन मेरी स्टार्ट है, लाइव है यहाँ पे, पर जैसे अपन स्टार्टिंग में देखें इसके अंदर तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि नेटवर्क और प्रोटोकॉल, तो भाई नेटवर्क रिलेटेड कोई ना कोई लैब है ये, ठीक है ना भाई। पेड कोर्स ऑलरेडी है चल रहा है हमारा, चैट बॉक्स में आप है ना फॉर्म दे रखा है, मैंने पिन कर रखा है, जाके आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं हमारे पेड कोर्स के सारे डिटेल लेने के लिए। व्हाई यू डू नॉट ज्वाइन मी एज अ चैनल, भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, हमारे चैनल पर भी मेटा एक्सपर्ट टेबल 2 की भी सीरीज चालू हो गई है, कल एक वीडियो आई थी, आज भी एक वीडियो अपलोड होगी अभी रात में। सो जो लोग जिन लोगों ने भी हमारा 799 वाला कुछ 700 वाला प्लान ले रखा है उनको सारी सीरीज मिल रही है अभी, ठीक है ना। जो अपने जो बेसिक वाला मेंबरशिप है उनके लिए भी अभी हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। जिसको भी कोर्स रिलेटेड जानना है प्लीज आप चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है जाके भर देना, मैं सेशन में फोकस करता हूँ। अब देखो टैग दे रखा है, टैग यहाँ पे नेटवर्क देखा है प्रोटोकॉल, तो भाई नेटवर्क रिलेटेड कोई ना कोई लैब है हमारी जिसमें प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल दिया हुआ, तो मतलब प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं हम लोग यूज करने वाले, और प्रोटोकॉल का नाम क्या है, SMB, ठीक है ना। SMB एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। अभी किस लिए काम आता है, क्यों काम आता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, वरना क्या होता है कि हमने लैब सॉल्व कर ली, पर लैब में करा क्या भाई, अपन ने वॉक थ्रू करके देख लिया, कर लिया हो गया कंप्लीट, प्रैक्टिकल भी हो गया सॉल्व भी हो गया, पर अपन ने करा क्या समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ये किस कंडीशन में आएगा, क्या SMB होता है, क्या लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। फिर ये पेंशन टेस्टर का लेवल 1 है और रिकरेंस पार्ट हम लोग यहाँ करने वाले हैं, अनोनमस और गेस्ट एक्सेस हमें मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं इस मशीन को, मैंने स्टार्ट कर दिया है मशीन को स्टार्ट करने के बाद आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो IP एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 10.129.170.111, ये हमारे सिस्टम का IP एड्रेस है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसकी पिंग की कनेक्टिविटी, तो भाई एक बार अपन पिंग करके देख लेते हैं, पिंग स्पेस और फिर IP एड्रेस जो है 10.129.178.111, ठीक है। चेक कर लेते हैं कनेक्टिविटी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कनेक्टिविटी आ रही है। सर CTF के लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, भाई मेहंदी हसन बता दूं मैं आपको कि जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं हैक द बॉक्स, ये बेस्ट है CTF के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर आ गया
कनेक्टिविटी बैठ चुकी, तो मतलब कि मेरा मेरा सिस्टम इस सिस्टम में कनेक्टेड। अब नेक्स्ट पार्ट करना क्या, नीचे आते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ व्हाट डज द थ्री लेटर एक्रोनॉमी SMB स्टैंड फॉर, तो SMB होता क्या है, तो कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना, ठीक है ना। आप आंसर लग रहे हो, थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, ठीक है ना। तो अब SMB जो है ना, SMB का फुल फॉर्म क्या होता है वो कितने लोग जानते हैं, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, SMB का थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो SMB जो है ना, ये बेसिकली देखो यहाँ पे दे रखा है कि SMB 3 प्रोटोकॉल इन अ विंडोज सर्वर। तो ये ओवरव्यू दे रखा है कि SMB जो प्रोटोकॉल है बेसिकली किस लिए काम आता है, ये देखो यहाँ पे देखा है, मैं छोटा सा डेफिनेशन को हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पे। SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक जो है इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म होता है। और ये किस लिए काम आता है, नेटवर्क में फाइल शेयरिंग करने का काम आता है, ठीक है। करने वाला वीडियो लिंक दीजिए सर। तो भाई अगर आपको कनेक्ट करने वाला वीडियो चाहिए तो मैं बताता हूँ एक बार कहाँ मिलेगी आपको, एक सेकंड होल्ड कर दो। यहाँ पे जाओ आप, नीचे आओ, हैकर ब्लॉग इंग्लिश में जाके, इंग्लिश में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अलग कैसे कनेक्ट करना है। ये देखो ये वीडियो देख लो, इसमें कैसे कनेक्ट करना है। जिन जिनको कनेक्ट करने में इशू आ रहा है कि भाई हैक द बॉस कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप हैकर ब्लॉग इंग्लिश में जाके, हैकर ब्लॉग वीडियो में बहुत अच्छा अपन किया था वर्जन और हैकर ब्लॉग इंग्लिश जैसे और और यहाँ फोर्थ पे वीडियो जाके ऑन आप हाउ यू चेक कर कैन सकते हैं, नेटवर्क। मैंने से पूरा बना रखा डिटेल में वीडियो, कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैं इसका लिंक भी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई सर्वर मैसेज ब्लॉक जो है बेसिकली, इधर चला गया। हाँ, सर्वर मैसेज ब्लॉक जो है ना, ये एक बेसिकली क्या है कि फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। ये अलाउ करता है एप्लीकेशन को ताकि कंप्यूटर से डेटा वो रीड कर सके और राइट कर सके, ठीक है ना। रीड राइट करने का काम आता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज को कहाँ से, सर्वर प्रोग्राम से, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कोई डेटा लेना है, देना है, रीड राइट करना है, तो उस कंडीशन में SMB आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, तपन सर FTP था तो फिर SMB क्यों आया, मतलब FTP तो ऑलरेडी है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका नाम ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो अगर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो फिर हम SMB क्यों लेकर आए। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि SMB इसलिए आया क्योंकि हमारा FTP जो है ना वो UDP प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली FTP जो है ना वहां पे डेटा ट्रांसमिशन में बहुत इशू आता है, इसके चक्कर में हम लोग SMB लेकर आए। SMB जो बनाया है ना, ये बेसिकली IBM ने बनाया था बहुत पहले, ठीक है ना, बहुत पहले IBM ने बनाया था। इसके अंदर बहुत सारे वर्जन है, 1.1.0, 2.0, 3.0, 3.1.1 और 3.1 ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग वर्जन से। तो अभी जो है ना लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है हमारा 3 वर्जन चल रहा है, ठीक है ना। और पहली बात तो बता दूं मैं आपको कि FTP के अंदर सिर्फ खाली खाली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, पर SMB के अंदर आप फाइल के साथ में आप प्रिंटर शेयरिंग, स्कैनर शेयरिंग, सीरियल पोर्ट शेयरिंग, वो सारे काम कर सकते हैं। तो SMB जो है ना ये काफी बड़े लेवल पे होता है, ठीक है ना। प्लस इसके अंदर जो इसके अंदर एनक्रप्शन भी बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है इसके अंदर, जो कि लेटेस्ट वर्जन है हमारा जो 8 वाले वर्जन को सपोर्ट कर रहा है और अब 10 वाले वर्जन को सपोर्ट कर रहा है SMB का जो लेटेस्ट वर्जन, तो इसके अंदर एनक्रप्शन भी प्रोवाइड करता है ये। तो ये सब चीजें होने की वजह से हम लोग SMB नेटवर्क में यूज करते हैं। सो अब आपको बिल्कुल सच में आ गया होगा कि बॉस है ना कि भाई SMB हम लोग क्यों यूज करते हैं और नेटवर्क में क्या काम होता है। अब अगर नेटवर्क के अंदर, अब देखो यहाँ पे आ जाते अपन हैकिंग लैब के अंदर। अब अगर हमारे नेटवर्क के अंदर, पहली बात तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे, ठीक है ना। सर्वर मैसेज ब्लॉक, बहुत अच्छी बात है, सर्वर मैसेज ब्लॉक, ठीक है। सबमिट करते हैं आंसर एक बार, चलो ठीक है। पहला वाला टास्क तो मेरा हो गया, फ्लैग टास्क फ्लैग ओन्ड, ठीक है। अब देखो बता रखा है कि है ना, व्हाट पोर्ट डज SMB यूजेस टू ऑपरेट इट, तो भाई कौन से पोर्ट पे ये रन करता है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अगर ये पूछ रहा है तो मतलब ध्यान दो यहाँ पे कि है ना, जो एक सेकेंड सॉरी मैं थोड़ा सा लैब को ऊपर नीचे कर दिया मैंने। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे जैसे ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे हमें प्रैक्टिकल करना, सिर्फ आंसर नहीं देना गाइस, ठीक है ना। तो वो चीज है कि जैसे जैसे हमसे पूछा, अब इसने क्या बोला कि कौन से पोर्ट पे करता है, तो मतलब अपन को क्या करना है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को कि भाई SMB कौन से पोर्ट पे काम करता है। तो अपना नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए कि अपन पोर्ट इनोमिनेशन पे जाए। तो भाई अपन पोर्ट इनोमिनेशन पे जाते हैं और यहाँ पे अपन चेक करते हैं, ठीक है। nmap-sv कर देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने IP एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। SV करके अपन चेक कर लेते हैं और एंटर मार देते। तो भाई अभी ये पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्जन इनोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। V का मतलब वर्जन इनोमिनेशन कर रहे हैं अपन, जितने ही पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं कौन कौन से पोर्ट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। TCP यूज करता है भाई, TCP, ठीक है ना। तो अभी nmap स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल V और फिर IP एड्रेस दे दिया, ठीक है। चेक करते हैं फटाफट एक बार कि कौन सा पोर्ट जो है वो यूज करता है, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नहीं, आपका आंसर गलत है, channel 007 143 नहीं करता वो, आपका आंसर गलत है, ठीक है ना। अभी बताएगा कि कौन सा वाला प्रोटोकॉल जो है वो यूज करता है, ठीक है।
अब एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, अरे गूगल करो भाई, ये तो पता है लकी रियल भाई, ऐसा नहीं है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें CTF करना है, ठीक है ना। CTF में आप हर चीज गूगल करना नहीं जा सकते, तो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ गूगलिंग हम यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए जनरली हमें ये करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ना, वेट करते हैं क्योंकि ये एनमैप पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है इसके लिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास, तो हमारा मेन जो है 445 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो क्या है कि ना, माइक्रोसॉफ्ट DS यूज कर रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली SMB हमारा 405 पे रन कर रहा है। एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं भाई, 405 वर्क करता ही नहीं करता, ठीक है। तो एक बार अपन इधर आते हैं और एक बार अपन ये चेक कर लेते हैं, 445। तो बस बिल्कुल हमारा जो SMB है वो वर्क करता है किस पे, 445 के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, अपन क्या दे रखा है कि ना, व्हाट इज द सर्विस नेम फॉर पोर्ट 445 दैट केम अप इन आवर एनमैप स्कैन। तो ये पूछ रहा है कि भाई आपके 445 के ऊपर कौन सी सर्विस रन कर रही है। सो माइक्रोसॉफ्ट DS सर्विस मेरी रन कर रही है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और ये यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार चेक करते हैं अपन इसको सबमिट करके, ठीक है। तो भाई अपन ने क्या कर दिया कि सर्विस वर्जन, सर्विस इनोमरेशन भी अपन ने कर लिया। अब क्या है कि SMB जो है ना, बेसिकली अगर आपको नेटवर्क के अंदर SMB एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो अब अपन जा रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि भाई सामने वाले सिस्टम पे SMB चल रहा है, ठीक है। और SMB को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक टूल भी है, वो भी हम लोग यूज कर लेते हैं। सो हमारा जो टूल है वो कौन सा है, थोड़ा छोटा कर लो इससे, बाकी क्लियर से देख पाएंगे स्क्रीन बाकी का। ओके ओके ओके, नहीं, वैसे उस वाले पार्ट में, जो अपना वाला पार्ट है जहां पे मेरा फेस है, उस वाले पार्ट में कुछ भी डालूंगा नहीं, ठीक है ना। ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए जो भी कमांड्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये भी देखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो जस्ट लेट मी नो गाइस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अभी सही होगा मेरे हिसाब से ना भाई, इशू नहीं आना चाहिए भाई कुछ भी चीज देखने वेखने में, ठीक है ना। अभी सही होगा सबको, ठीक है। तो ये अपन कर चुके हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये हो गया हमारा व्हाट इज द सर्वर, हाँ पोर्ट अपन ने दिखा दिया अपन ने। व्हाट इज द फ्लैग और स्विच वी कैन यूज विद द SMB टूल। तो SMB कोई टूल है, ठीक है ना। उसके साथ में अपन को क्या यूज करना है, टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ द शेयर। तो भाई जो शेयर हो रही है, ड्राइव शेयर हो रही है, ठीक है ना, कोई फोल्डर शेयर हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा कमांड हमें यूज करना है, ताकि ये ना हम लिस्ट कर सके उन सारे कंटेंट को। तो वो चीज करने के लिए हमें क्या करना, क्या कर रखा है, ये हमारे ऑलरेडी लाइनेक्स के अंदर एक टूल है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। क्लियर कर देते हैं अपन, SMB क्लाइंट -L, ठीक है, L करके आता है हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, SMB क्लाइंट -L और फिर IP एड्रेस डाल दिया जो भी मेरे इस मशीन का था, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने SMB क्लाइंट, आपको डालना है SMB क्लाइंट जो है, ये इनबिल्ट टूल है जिसके थ्रू आप SMB जो भी सामने क्लाइंट है उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं कि भाई कौन कौन से कॉन्टेंट जो है आपके या ड्राइव वगैरह शेयर हो रहे हैं। और मैंने IP एड्रेस डाल दिया मेरी टारगेट मशीन का, मैंने एंटर मारता हूँ, मैं चेक करता हूँ एक बार कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और फिर मैंने देखा यहाँ पे कि ना क्या क्या चीज आ रहा है भाई, हाँ इसने दिखा दिया मेरा टोटल मिला के 4 फोल्डर शेयर है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। एडमिन डॉलर शेयर है आपका, सी डॉलर दे रखा है, IPC दे रखा है, उसके अलावा वर्क शेयर दे रखा है। टोटल टोटल मिला के 4 जो डायरेक्टरीज है वो मैंने शेयर कर रखी, क्या क्या है ऑलरेडी 4 डायरेक्टरी शेयर है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या पूछ रहा है, तो अपन ने कौन सा कमांड यूज करा, -L, क्या यूज करा अपन ने, -L कर। अगर मान लो आपको चेक करना है, तो अपन सर -L कैसे पता अपन को, तो SMB क्लाइंट करो आप, -H कर दो, H से हेल्प होती है और हेल्प से बहुत मदद मिलती है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने -H करा, तो यहाँ पे अपन चेक कर लो, दिख रहा है ना आपको लिस्ट करने के लिए। तो -L जो कमांड है वो लिस्ट के लिए दे रखा है, और यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉस लिस्ट करने के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो -L है, तो आप -H और L डाल दो यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच लकी अनरियल कुमार रियल सॉरी, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब उसके बाद पूछ रखा है हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द डांसिंग। तो भाई डांसिंग में कितने शेयर्स है, तो अपन ने बोल दिया कि टोटल मिला के कितने शेयर्स मिल रहे हैं, अपन थोड़ा सा ऊपर आके चेक कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 शेयर हमारे हैं इसके अंदर। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, इसका आंसर होने वाला है 4, ठीक है, 4 हमारे शेयर हो गए। उसके बाद देखो फिर अपन आगे करते हैं, वेट करो। हाँ थैंक यू सो मच रैना
सोएब भाई की ना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप भी बीच में चैट बॉक्स में डाल दिया ताकि ना कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपको पता है किसी क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन जो सब्सक्राइबर पूछ रहा है उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि ना मैं मिसगाइड ना हो और मैं इसी पे फोकस करूँ पहले, ठीक है ना, उसको भी अपना आंसर मिल जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चार डायरेक्टरी शेयर कर रखी, सबमिट करते चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर। अब जो है वो दो इंपॉर्टेंट आंसर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर वी आर एबल टू एक्सेस इन द एंड विथ अ ब्लैंक पासवर्ड। तो भाई बता रखा है कि क्या नाम है, एक सेकेंड देखा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर। तो भाई ऐसा कौन सा, मतलब जो लास्ट फोल्डर है वो कौन सा वाला है जिसको हम ब्लैंक पासवर्ड के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखू तो इसमें लास्ट में कौन सा आ रहा है मेरा, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका वर्क शेयर्स, तो ये मेरा लास्ट फोल्डर है, तो वर्क शेयर्स है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं वर्क शेयर्स, ठीक है। अब चेक करता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो प्रॉपर है या नहीं, क्लिक करता हूँ सबमिट बटन पे, क्लिक करा मैंने सबमिट बटन पे और सबमिट हो गया बिल्कुल। अब जो लास्ट टास्क है ना वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही हम जाने वाले हैं किसके अंदर, आपके कैप्चर फ्लैग को कैप्चर करने के लिए, ठीक है ना। सो बेसिकली जो आप अगर आप देखेंगे ना तो सीटीएफ आपको गाइड करता है विद द क्वेश्चन कि बॉस आपको ये करना है, फिर नेक्स्ट ये करना है, कि थर्ड ये करना है, कि फोर्थ ये करना है। सो ये आपको हिंट प्रोवाइड करता है और उसी के हिसाब से कई बार लोग क्वेश्चन के आंसर देने में रह जाते हैं पर उनको पता नहीं चलता कि आपको साथ में लैब भी लेके चलनी है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द कमांड वी कैन यूज विद इन द एसएमबी शेल टू डाउनलोड द फाइल वी फाइंड। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसमें ये क्या बोल रहा है कि आपको फाइल डाउनलोड करनी है, पर रिमेंबर वन थिंग, अभी हम लोग लॉग इन नहीं कर पाए, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैं लॉग इन नहीं कर पाया हूँ अभी सिस्टम के अंदर। तो लॉग इन करने के लिए अपन को पहले कमांड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसने ये हिंट दे दिया कि भाई आपको किस में जाना है, वर्क शेयर के अंदर, समझ में आ रहा आपको। तो क्योंकि इसने क्या पूछा है अपन को कि भाई कौन से ब्लैंक पासवर्ड के साथ में किसको अपन एक्सेस, कौन से फोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो बता रहा है कि वर्क शेयर, तो वर्क शेयर को ही आपको एक्सेस करना है। सो मैं बता दूं आपको कि भाई अपन को आईपी एड्रेस पता है, ठीक है ना, तो उसको एक्सेस करने का कमांड जो होता है वो होता है एसएमबी क्लाइंट, ठीक है, उसके अलावा स्लैश 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 और फिर आईपी एड्रेस 10 डॉट और उसका डबल स्लैश लगा के वर्क शेयर, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिकली एक फॉर्मेट होता है हमारा एसएमबी क्लाइंट और फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस विथ वर्क शेयर डाल दिया अपन ने अनोनमस, बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। एंटर मारता हूं मैं, एंटर मारता हूं यहाँ पे। सो गाइस दिख रहा होगा अभी मैं एसएमबी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है ना। एसएमबी में आने के बाद अब यहाँ पे अपन एसएमबी सर्वर के अंदर घुस गए हैं, ठीक है ना। अपन एक्सेस कर लिया, अब मुझे फाइल वहां से एक्सेस करना है, कॉपी करना है, जो भी मेरा काम करना है वो मुझे करना है, ठीक है ना। अब मुझे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे जाके मैं हेल्प टाइप करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ जितने भी कमांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंटर मारता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, जो बेसिक कमांड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो सारे अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे मैं रन कर पाएंगे, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे काफी सारे कमांड्स जो है ये आपके सामने चल रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जिट कमांड भी है, डिलीट कमांड भी है, ठीक है ना, डीआईआर कमांड भी है, ठीक है, CHMOD कमांड भी है आपका, कैंसिल कमांड भी दे रखा है आपका, ठीक है ना। उसके अलावा हेल्प कमांड तो है ही सही, फिर गेट कमांड भी दे रखा है, गेट बेसिकली डाउनलोड करने का काम आता है। तो बेसिकली गेट जो कमांड है ना वो हमारे यूज आता है ताकि अपन किसी फाइल को डाउनलोड कर सके जो सर्वर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके अपन क्या करना है कि नीचे आते अपन, इसने बोला है अपन को क्या कि भाई व्हाट इज द कमांड वी कैन यूज विद इन द SMB शेल टू डाउनलोड द फाइल। तो अपन को यहाँ पे गेट टाइप करना है, तो गेट कमांड मैं यूज करता हूँ ताकि मैं डाउनलोड कर सकूँ फाइल को। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप आंसर बताओ मुझे कि भाई गेट है गेट है गेट है, पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई आप SMB शेल में एक्सेस लेने के बाद आप गेट कमांड यूज करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस फ्लैग को जिसके अंदर आपको जो आपको फ्लैग मिलेगा, ठीक है ना, उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर आपको फ्लैग मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं सबमिट करता हूँ बिल्कुल। तो मतलब कि अब इस टाइम पे, मतलब जब सेवेंथ स्टेप मैं प्रैक्टिकल में, थियोरेटिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में कंप्लीट कर चुका हूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैं कहीं ना कहीं फ्लैग के नजदीक होगा। तो अगर मैं ये चेक करूं, मैं एनालिसिस करूं पिछले 7 क्वेश्चंस का, तो मैं कहां पे पहुंच गया हूं, तो मैं पहुंच गया हूं बेसिकली हमारे इसके अंदर एसएमबी शेल का एक्सेस मिल गया मुझे, जहां पे मुझे ये कमांड समझ में आ गया भाई मुझे गेट कमांड यूज करके कोई फाइल को डाउनलोड कर सकता हूं। तो अब मुझे यहां पे डायरेक्टरी ढूंढनी है कि शेल कहाँ है। तो बेसिकली मैं एसएमबी शेल में आने के बाद मुझे ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए पहले तो मैं ये तो जानू कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो पीडब्ल्यूडी ट्राई कर दो एक बार। तो भाई अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, तो बेसिकली आप वर्कशेयर फोल्डर में खड़े हैं, तो अब वर्कशेयर फोल्डर के अंदर पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैंने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी टाइप करा, मैंने पीडब्ल्यूडी टाइप करा, इससे मुझे पाथ दे दिया कि भाई आप कहाँ खड़े हैं अभी सर्वर के अंदर। तो मैं ये 10.129.178.111 इस
लैब इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर, एसएमबी का जो सर्वर है इसमें मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हूँ मैं, बेसिकली वर्क शेयर के अंदर मैं हूँ अभी। अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आकर मुझे ये चेक करना है कि इस फोल्डर में वर्क शेयर के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं। तो मैं क्या कमांड टाइप करूँ यहाँ पे, फटाफट मुझे एक बार चैट बॉक्स में डाल दो मैं कौन सा कमांड टाइप करूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ls कमांड, ठीक है ना, लिस्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है इसने, यहाँ पे लिस्ट कर दी इसने एक तो MEJ AMY.J और एक James.T। तो यहाँ पे दो तरीके दे रखा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना अपन को दो तरीके फोल्ड, यहाँ पे दो तरीके चीजें दे रखी है अपन को, एक तो एमई डॉट जे कर रखा है, जेम्स डॉट पी कर रखा है, दोनों के अंदर दोनों डायरेक्टरीज है, ठीक है ना, डी लिखा हुआ है आगे, दोनों डायरेक्टरी। तो अपन को इसको अंदर घुसते हैं, पहले चेक करते हैं एमई में, चेक करते हैं अपन तो सीडी वही सिंपल वाला AMY, एंटर मारते हैं, टैब मार देते हैं, एक बार कंप्लीट हो जाएगा वो, एंटर मारते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, मैं चेक करता हूँ ls मार के कि भाई क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है वर्क नोट डॉट txt। तो क्या शायद वर्क नोट डॉट txt के अंदर कुछ हो सकता है मेरा? नहीं, तो जो हमारा फ्लैग होगा ना वो फ्लैग के नाम से ही आता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अभी जरूरी है अपन को फ्लैग डॉट txt ढूंढना, तो अपन को इसमें तो नहीं मिला भाई। तो अपने करना पीछे जाना अपन को, ठीक है। तो अब पीछे आते हैं अपन, और फिर पीछे के अपन क्या करते हैं, वापस से ls टाइप करते हैं, और फिर अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सीडी स्पेस जेम्स में एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। एमई में मैंने ट्राई कर लिया, जेम्स में आता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे आने के बाद मैं ls करता हूँ, तो बॉस मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, फ्लैग डॉट txt मिल गया। तो इसी की मुझे तलाश थी, अब मुझे फ्लैग तो मिल गया, अब मैं क्या करूँ इसको, ओपन करूँ, क्या करना है मुझे। तो मुझे ऑलरेडी 7th क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको गेट कमांड यूज करना है, तो बिल्कुल मुझे अब याद आ गया कि मुझे गेट और फ्लैग। अब बता दूं मैं, जैसे ही आप गेट फ्लैग डॉट txt टाइप करोगे ना, तो ये डाउनलोड करेगा आपके ही रूट डायरेक्टरी के अंदर, आपके सिस्टम के रूट डायरेक्टरी में डाउनलोड कर देगा इस फाइल को। ऐसे करके हम लोग जो सर्वर पे जो जो बेसिकली सामने वाले क्लाइंट मशीन के ऊपर जो भी फाइल्स है उनको एक्सेस करके डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो मैं एंटर मार देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फ्लैग डॉट txt मेरे डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना। अब एक बार इसको अपन चेक करते हैं भाई फ्लैग डॉट txt डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से पहले एग्जिट मारता हूँ, शेल से बाहर आता हूँ, मैं एसएमबी शेल से बाहर आता हूँ, यहाँ के जाके एलएस करता हूँ। तो एलएस करके देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा अपन को, अपन को चेक करना है फ्लैग डॉट txt दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्लैग डॉट txt, ठीक है ना। इसे मैं कैट करता हूँ, मैं फ्लैग डॉट txt एंटर मारता हूँ, तो भाई मेरे सामने ये फ्लैग आ रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूँ। शायद से अगर मैंने दूसरा फ्लैग लिखा होगा तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। कॉपी सिलेक्शन, यहाँ जाके सबमिट करते हैं, सो गाइस अपनी जो मशीन है वो सॉल्व हो चुकी है, और अपन ने सक्सेसफुली जो डांसिंग मशीन है उसको अपन ने सॉल्व कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन हैकर ब्लॉग लाइव, बेस्ट ऑफ लक इन कैप्चरिंग द फ्लैग अहेड। तो अब आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपन ऑलरेडी एक जो है डांसिंग डांसिंग लैब को अपन सॉल्व कर चुके। तो ये बहुत इजीएस्ट वे था हैक द बॉक्स के अंदर किसी भी फ्लैग को ढूंढना विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन हिंट, और फिर एंटर करना उसके अंदर। देखो समझने वाली बात ये नहीं है कि हमने लैब सॉल्व कर ली, लैब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कहीं से भी कर सकता है, कोई भी वॉक थ्रू देके कर सकता है। मेन समझ रहा ये वाली बात है कि क्या हम SMB प्रोटोकॉल को समझे हैं, समझ में आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैंने लैब सॉल्व करी, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये बेसिक लैब है, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन बात ये कि क्या हम SMB प्रोटोकॉल को समझे हैं, तो भाई हाँ बिल्कुल हम समझे हैं। SMB एक प्रोटोकॉल है, बेसिकली किस लिए काम करता है, SMB हमारे फाइल नेटवर्क में फाइल शेयरिंग के काम आता है, और SMB FTP के ऊपर है, क्योंकि ये फाइल के साथ साथ में इस प्रिंटर शेयरिंग हो गया, स्कैनर शेयरिंग हो गया, या फिर सीरियल पोर्ट शेयरिंग हो गया, इन सब के लिए काम आता है। प्लस ये TCP का यूज करता है, इसके अंदर इनक्रप्शन बाय डिफॉल्ट है, FTP में बाय डिफॉल्ट इनक्रप्शन नहीं आता, उसके लिए मुझे TFTP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं वो यूज करूंगा तब जाके ही मैं एनक्रिप्शन पा सकता हूं। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज है, प्लस इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, प्लस उसके अलावा स्पीड ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू FTP। तो ये सब चीजें मैं जान पाया हूँ SMB के बारे में, और SMB मैंने देखा है कि भाई ये 445 पे मेरी मशीन में काम कर रहा था, तो 445 के ऊपर ये रन करता है, और माइक्रोसॉफ्ट DS जो है ना वो सर्विसेज रन हो रही है। अगर आपको टारगेट मशीन में कभी भी किसी भी टारगेट मशीन में क्या नजर आया आपको कि ना ये एक माइक्रोसॉफ्ट -DS सर्विस नजर आए, तो आप वहां पे SMB इनोमिनेशन कर सकते हो, और ट्राई करें कि वहां पे अनोनमस तरीके से आप एंटर करें विदाउट पासवर्ड, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, रैंक अप करने के लिए, ठीक है। तो अभी अभी मैं सारे क्वेश्चंस भी लूंगा, आई होप आपको ये जो चीज है वो बिल्कुल क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट जो मशीन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे अपन, मतलब बता तो मैं अभी देता हूँ, छोटा कर देते इसको, ओके।
ठीक है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। उसके अलावा अब रेमेडियर हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं और फिर धीरे धीरे नीचे वाले पार्ट टू भी जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको जो ये चीज जो है समझ में आ गई होगी प्रॉपर तरीके से। भाई अपन ने 3 लैब ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, आगे भी जल्दी और लैब सॉल्व करेंगे, जल्दी नए नए सेशन आएंगे इसके ऊपर। आई होप आपको हमारी CTF जो हमारे हैक द बॉक्स की सीरीज से काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। मेन टास्क ये नहीं है कि हमने लैब सॉल्व कर ली, नहीं, मेन टास्क ये कि इनमें बताए गए प्रोटोकॉल्स के बारे में हम अच्छे से समझे हैं, उनको एक्सेस कैसे करें ये हमने समझा है। हाँ, SMB को विंडोज और लाइनेक्स दोनों में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन SMB को पहले जो बनाया गया था वो डोस सिस्टम के लिए बनाया गया था, बाद में फिर विंडोज मशीन के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो वो चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने दे रखा है 40% अपन ने कर लिया है। अब धीरे धीरे अपन इसको आगे और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे धीरे धीरे, ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है ना। बेसिक सबके क्लियर होने चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारे चैनल की वजह से हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि देखो CTF जो है ना अभी आज तक बहुत मैंडेटरी हो गया है। CTF हर जगह आप देखेंगे ना, तो CTF चाहिए होता है हर जगह, मतलब जो भी आप कॉम्पिटिशन में जाओगे CTF लग रहा है, ये लग रहा है भाई। तो उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि भाई CTF में होता क्या, कैसे फ्लैग कैप्चर होता है, कैसे हिंट मिलते हैं, कैसे हम एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। वेब के ऊपर भी अपन CTF करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको डिटेल में मिल सके, ठीक है ना। ट्राई कर रहे हैं थोड़ी सी नॉलेज एड ऑन करने की आपकी नॉलेज के अंदर, और शायद इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ अच्छा हो सकता है। सर, अगर किसी का फोन चोरी हो जाए तो कैसे उस तक पहुंचे? भाई जरूरत नहीं पहुंचने की, अपने आप वो पहुंच जाएगा। इसके लिए आप पुलिस को संपर्क करें, उसके लिए डायरेक्टली पहुंच सकते हैं अपन, ठीक है ना। Sub3, ये Sublist 3R, सब फाइंडर, Amass, ये सब के सब जितने भी टूल हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। अगर आपको इसकी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं, जो हमारा मेंबरशिप बेसिक मेंबरशिप वाला प्लान है, आप उसको भी लेंगे तब भी आपको काम चल जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा और भी चीजें मैं अपडेट करेंगे हम लोग हमारे इस चैनलों के ऊपर, ठीक है। हैकर ब्लॉग लाइव पे कल सेशन आएगा, हैकर ब्लॉग लाइव के ऊपर ही आएगा कल वाला सेशन। सो आई होप अपना हमारी जो कल तो सॉरी आपका आने वाला है सेल्फ एनालिसिस प्रोग्राम, लेट सी कि कल कितने बजे हम इसको लाइव करते हैं। अभी शेड्यूल्ड है 9 PM का, बट लेट सी कि ना कल क्या होता है इसके अंदर, ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कम्युनिटी पोस्ट में, जैसे भी अपडेट रहेगा तो प्लीज चेकआउट आवर कम्युनिटी पोस्ट। और फॉर्म दे दिया है जिन जिनको भरना है सेल्फ एनालिसिस प्रोग्राम में, सीरियस कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भरे, क्योंकि इसके अंदर बहुत काफी चीजें रहती है। तो वो चीजें, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन हु अपलोडेड अ मॉर्फ फोटोग्राफ एंड हैरेसिंग फॉर मनी, वही अक्षय, इसके लिए आपको पुलिस को संपर्क करना पड़ेगा। ये साइबर सिक्योरिटी का टास्क नहीं है, ठीक है ना। ये चीज है ना पुलिस ही सॉल्व करती है, तो आप पुलिस को संपर्क करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं जनूर रमन ने क्वेश्चन पूछा है। यस भाई, आपके क्वेश्चन तो इतने इतने पीछे आपने क्वेश्चन पूछा है। रिप्लाई रेस्पॉन्ड टू, भाई आपका सिर्फ एक यस ही मैसेज दिखा था मुझे। डू यू वॉन्ट वाई यू डू नॉट ज्वाइन मी ऑन योर चैनल? भाई ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन आपको ही करना पड़ेगा, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता आपको उसके लिए। OACP एग्जाम क्या होता है बताइए। तो भाई OACP एग्जाम जो है ना, ये कलनिस का ही एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। और ये अभी CES एडवांस पे चल रहा है, क्योंकि ये इसका अंदर आप यही यही सारा जो लिनक्स कलनिस के ऊपर ही लैब सॉल्व करने पे आता है। अच्छा एग्जाम है, ठीक है ना। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना है तो गूगल कर लो, बेस्ट बताया था भाई ने कि गूगल कर लो, थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। कोई अननोन कोई एग्जाम नहीं है, बहुत पॉपुलर एग्जाम है, आप गूगल पर सर्च करेंगे इसके अंदर लैब सॉल्व करना होता है, फिर देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस आपके हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज आज सेशन को हम लोग 3 मिनट में एंड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई कम से कम एक वीडियो को लाइक तो मारना मत भूलना, क्योंकि लाइक जरूरी है बॉस। 29 लोग देख रहे, 35 लाइक तो ऐसे मत करो यार, कम से कम लाइक्स तो बढ़ा दो फटाफट। एक बार फिर एक बार CH के बारे में बताओ भाई। CH जो है भाई, CH है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ठीक है ना। ये इसी काउंसिल ने इसको इस सर्टिफिकेट को बनाया है। और CH एक बेसिक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, एंट्री लेवल नहीं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी का, जिसके अंदर आप काफी सारी चीजें डील करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, पूरा साइबर सिक्योरिटी के सारे एरियाज के बारे में अगर आपको जानना है तो CS से बढ़िया कुछ नहीं है। कॉम्पटिया A+ कैसा है? भाई कॉम्पटिया A+ ही बहुत बढ़िया है। नमस्ते नेचर भाई, नमस्ते नमस्ते। आई हैव कॉन्टेक्टेड योर टीम मेंबर बट दे हैव नॉट अच्छा कॉन्टेक्टेड योर टीम मेंबर बट दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू मी। भाई कॉन्टेक्टेड तो किस रिगार्डिंग में आपको ज्वाइन करना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको कैस क्यों कैस किस रिगार्डिंग ज्वाइन करना है हमें, पहले थोड़ा सा ये बता दें आप चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपको बता दूं कि वो पॉसिबल भी है या नहीं है। मेंबरशिप के बेनिफिट क्या है? भाई मेंबरशिप के बेनिफिट ये कि जो वीडियोस अभी हम लोग लाइव सेशन में ले रहे हैं इट्स पब्लिकली ओपन, ठीक है ना। पर मेंबरशिप के अंदर कुछ अलग से भी वीडियोज आती है, कुछ अलग से ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है ना, कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो वो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। देखो ना ये सारे मेंबरशिप स्पेशल ही है। मेटा एक्सप्लोरेबल का भी लैब इंस्टॉलेशन हो गया, अब यहाँ पे भी वीडियोस आने वाली है, से वीडियोस चल रही है अभी हमारी, ठीक है ना। ये सारी जो वीडियोस है सारी मेंबरशिप स्पेशल ही दिख रहा होगा आपको, ये सब मेंबरशिप स्पेशल वीडियोस है जो शायद पब्लिकली अवेलेबल नहीं है किसी के लिए भी। ये सब
और भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो मेंबरशिप के लिए है, तो जो आप लोग देख रहे हैं वो भी है वीडियोस, वो भी काफी अच्छी है। सर सीएच में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, बिल्कुल है मनीष, बिल्कुल सही बोला आपने कि सीएच के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर सीएच ओवरव्यू करा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकली कॉन्टेंट है। तो अगर आप चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, अगर किसी को कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी करनी है चैट बॉक्स फॉर्म दे रखा है, जाके भर सकते हैं उसको। सर कैन यू प्लीज मेक अ सीएच प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट फॉर फ्री? नहीं भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीएच जो है ना वो इजी काउंसिल का है, तो अगर हम कुछ भी कॉन्टेंट बनाते हैं सीएच के प्रैक्टिकल को लेकर तो ऑटोमेटिकली इजी काउंसिल उसको बैन करवा देता है, तो इसलिए हम लोग सीएच डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं। शिवकांत भाई एसक्यूएल रिपोर्ट हो गया है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो ठीक है गाइस, तो आई होप आपको आज के सेशन के अंदर काफी कुछ समझ में आया, कुछ और आपके क्वेश्चन से डाउट है तो प्लीज आप डाल सकते हैं। सर ये वाला प्रोग्राम मैं भर सकता हूँ, 12th में हूँ? हाँ भाई मॉडर्न जी आप भर सकते हैं, पर नहीं आप मत भरो अभी, क्योंकि वो तो बेसिकली जॉब्स के लिए, जिनको जॉब पानी है उन सबके लिए, ठीक है ना, तो आप अभी मत भरो तो ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, जिनको जॉब्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े हैं, सो लाइक फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल पाती, बहुत सारी चीजें रहती है। भाई इंस्टाग्राम आईडी दे दो, भाई इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, जिन्होंने फॉलो नहीं कराया भाई जाके फॉलो कर लो हैकर ब्लॉग ऑफिशियल को, ठीक है ना, हमारी सारी अपडेट्स आपको हैकर ब्लॉग ऑफिशियल पे मिल जाएगी, सो गो एंड जस्ट चेक इट आउट गाइस। और कुछ और आपके क्वेश्चन तो प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सर आई एम इन टू फाइनल ईयर ऑफ माई साइबर सिक्योरिटी एंड आई हैव डू इंटर्नशिप इन नेक्स्ट मंथ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स ऑफलाइन इंटर्नशिप, प्लीज हेल्प। तो गाइज माफिया गेमिंग बता दूं मैं आपको कि ना ऑफलाइन इंटर्नशिप अभी मुश्किल रहेगा, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपने कितना साइबर सिक्योरिटी में सीखा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इंटर्नशिप मिलती है कि नहीं। सो अगर बेटर है कि आप है ना हमारा जो मतलब अगर आपको चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने डाल रखा है सेल्फ एनालिसिस की, आपको जॉब कितने की मिलेगी, कैसे और क्या आपको अपग्रेड करना है अपने अंदर, तो सेल्फ एनालिसिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एलिजिबल है, क्योंकि आप फाइनल ईयर है साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेने जा रहे हैं, तो आप अप्लाई कर दो यहाँ पे फॉर्म के अंदर जाके। तो ये सेल्फ एनालिसिस प्रोग्राम है बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में करियर अपना बनाता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे क्या किस चीज की जरूरत है। 10th 12th वाले अप्लाई ना करें, क्योंकि ना उनको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली जॉब करने नहीं जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अभी इनिशियली मैं इनिशियली 2-3 हफ्ते तो मैं कम से कम उनको लेना चाह रहा हूँ जो जॉब करने जा रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही या फिर उनको चैलेंजेस हो रहे हैं जॉब मिलने के अंदर, तो अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो मैं पूरा प्रॉपर दूंगा यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल लाइव सेशन चलेगा उनका ही, इंटरव्यू सेशन चलेगा उनका, तो आपको बहुत मजा आएगा वो सुन के, प्लस आपको देखने का मौका मिला कि भाई ये चीजें हमें रिक्वायर्ड और है चीजों को इंप्रूव करने के लिए। सो बेसिकली उसमें हम आपका रिज्यूम रिव्यू करेंगे, ठीक है ना, देन वी विल हैव वन इंटरव्यू सेशन विद यू कि बॉस आपने क्या करा हुआ है, कैसे आप करते हैं, क्या आपने करा हुआ, टेक्निकल स्किल्स क्या है, वो सब चीजें वीएपीटी के बारे में स्पेशलाइजेशन क्या है, और फिर जो आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे उसके हिसाब से मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपका अभी इस टाइम पे प्लेसमेंट होगा तो कैसे होगा और किस तरीके से हो सकता है और क्या पैकेज लगेगा आपको, और नहीं होगा तो फिर क्या क्या आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि आपको अच्छे से लग जाए। देखो ऐसा नहीं कि मैं चैलेंज करूंगा कि बॉस तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी या लग जाएगी, बट एज अ बिग ब्रदर आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि बॉस ये चीज और इंप्रूव कर लोगे तो और बढ़िया से लग जाओगे, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक है सर। डेस्कटॉप इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब साइबर सिक्योरिटी की से रिलेटेड है? नहीं बता दूं मैं आपको, साइबर टेक इससे पहले ही आपने वाला क्वेश्चन पूछा है तो बता दूं मैं आपको कि नहीं, डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब है ना वो साइबर सिक्योरिटी से लिंक नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो सर मैं आज मैं लेट आया हूँ, मैं कल वीडियो देख लूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं चाहिए भाई, कल देख लेना। आई एम बैक ब्रो। त्रिकोण भाई बहुत दिनों के बाद आया हो। सर आई एम कंडक्टिंग अ साइबर अवेयरनेस इन माय कॉलेज, सो कैन यू प्रोवाइड मी सम टॉपिक? बिल्कुल अक्षय, बहुत बढ़िया बात है, अगर आप साइबर अवेयरनेस कर रहे हैं सो हैकर ब्लॉग की टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, कुछ भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बता दूं मैं आपको, कॉलेज के अंदर अगर आप करा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, तो इनिशियली आप साइबर क्राइम अवेयरनेस पे स्टार्ट करो, ठीक है ना। साइबर क्राइम अवेयरनेस इज नॉट दैट मच टेक्निकल, बट हाँ लिटिल बिट अवेयरनेस भी जाएगी और सबको बेनिफिशियल मिल जाएगी। तो तुम साइबर सिक्योरिटी में घुस जाओगे सो मोस्ट मोस्ट ऑफ देम माइट बी पॉसिबल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग गेटिंग दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। समझ में आ रहा है आपको, मतलब कि वो इस टॉपिक को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं होंगे और मे बी उसका टेक्निकल माइंडसेट इतना उस लेवल पे नहीं होगा, सो उस कंडीशन में आपको लोगों को समझ में आएगा नहीं और आपकी जो आपका जो अवेयरनेस सेशन होगा ना फेल हो जाएगा। सो इट्स बेटर है कि आप साइबर क्राइम अवेयरनेस सेशन लेकर आओ जो बेसिकली किसी बिगनर को भी, जो इसको नॉन टेक्निकल उसको समझ में आ जाएगा, सो इट विल बी कॉमन फॉर एवरीवन। फिर धीरे 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 यू कैन हैव अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन, तब आप ले सकते हो। हैकर एक्सप्लॉइट देखा है? बिल्कुल देखा है, हैकर एक्सप्लॉइट देखा है, क्यों नहीं देखा है। सर सीएच और ओएसीपी में क्या अंतर है? भाई सीएच और ओएसीपी में अंतर है, सीएच जो है ना विंडोज और लिनक्स बेस दोनों बेस है और ओएसीपी स्पेशली कार्लिनक्स के ऊपर बनाया गया है, ठीक है ना, तो वो चीज है, ठीक है। सीएच इसी काउंसिल का है, ओएसीपी ऑफेंसिव सिक्योरिटी का है, ठीक है ना। ओएसीपी के अंदर लैब्स होती है, सीएच के अंदर भी अब लैब्स आ गई, पहले नहीं थी। उसके अलावा देखो नीचे आते हैं, अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया
सेल्स फोर्स क्या है भाई, सेल्स फोर्स जो ना बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ये मेरे स्टूडेंट ने भी करा था, और तो मुझे भी नहीं पता सेल्स फोर्स के बारे में तो, पर हाँ ये कुछ है ना मार्केटिंग टाइप के, कुछ ना कुछ ऐसे मैनेजमेंट करके कुछ है। देखो मुझे एक्चुअली बता दूं मैं आपको, सेल्स फोर्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है, तो मैं आपको गलत गाइड कर दूं भाई। मैं हाँ बिल्कुल मुझे पता है, और थोड़ा गूगल पे सर्च करके बता दूं आपको, तो मैं गलत गाइड कर दूंगा आपको। सेल्स फोर्स के बारे में उससे पूछो जिसकी सेल्स फोर्स की प्रोफाइल है, तो मेरे हिसाब से आंसर आपको सटीक मिल पाएगा और आप चूज कर पाएंगे क्या करना है आपको। साइबर सिक्योरिटी के जॉब होंगे तो पोस्ट करो सर, मोस्ट टॉपिक आते हैं, बस इंटरव्यू कॉल नहीं आता। सो चिन्मय भाई कल का सेशन आपके लिए होने वाला बहुत शानदार, क्योंकि कल जो है वो इंटरव्यू सेशन के हिसाब से ही मैं बताने वाला हूँ कि भाई इंटरव्यू होगा तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें आपका जो कैंडिडेट होंगे, जो 5 सेलेक्ट होंगे हमारे सेशन के लिए, वो आंसर देंगे उसके ऊपर। अच्छा बुरा जो भी होगा, इट्स नॉट सॉरी अच्छा बुरा जो भी होगा ना, वो ऐसा नहीं कि बॉस आप ये सोचो कि भाई इसने आंसर नहीं दिया तो मतलब झंड हो गई या फेल हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर कोई गलत देगा ना तो उसको सीखने के लिए मिलेगा उसके अंदर, उसके साथ में और भी लोग सीखेंगे, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, तो कल हम लोग ये सेशन करने वाले हैं, लेट्स सी कि कितने बच्चे आते हैं उसमें। 5 बच्चों का हमारा टारगेट है, और वैसे फॉर्म तो मेरे पास बहुत सारे आ गए, उसमें से मुझे 5 सेलेक्ट करने हैं। सो बेस्ड ऑन द उसमें जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं उसके बिहाफ पे मैं फिल्टर करूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मैंने क्वेश्चन मैंने डाले हुए, उन क्वेश्चन के बिहाफ के अंदर मैं उसको फिल्टर करूंगा कि कौन सा बच्चा आना चाहिए। जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जिसके क्वेश्चंस मुझे सीरियस लगेंगे, उसी को मैं लूंगा। 5 स्टूडेंट्स चाहिए मुझे, मुझे फिल्टर करना है। वैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं उसके अंदर, पर 5 मैं फिल्टर करके और कल वाले सेशन के अंदर उनको लेकर आऊंगा। मोस्ट लाइकली कल होगा या फिर संडे को होगा, दोनों में से एक दिन होगा। ये कल शायद मेरा कुछ अदर प्लान बन सकता है, अगर प्लान बना तो कल नहीं होगा, ये क्या होने वाला है, ये संडे को शिफ्ट हो जाएगा, बट होगा जरूर। तो प्लीज चेकआउट अवर कम्युनिटी, ठीक है ना, और बेल आइकन पे दबा देना, तो क्योंकि हमारे आपको पता है यार अनसर्टेन होता है कभी बार, सेशन वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा उसके लिए ठीक है, थोड़ा समझिए उस चीज के लिए। उसके अलावा देखो यहाँ पे आता है सर, आपने ओसीपी किया? नहीं मैं ओसीपी नहीं कर सकता, एक्चुअली में हम लोग सीएच एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं इसी काउंसिल के, तो इसलिए हम लोगों को अंदर इंटरनली मना करा हुआ है ओसीपी करने के लिए, तो मैंने इसलिए नहीं कर रखा, तो मैं गाइड भी नहीं करता ओसीपी के लिए। तो भाई जिस गली अपन ने, जिस गली का रास्ता अपन ने देखा नहीं, मतलब जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्या क्यों देखना, वो चीज है। सैयद अर्नब अकरिब अली भाई कैसे भाई, बहुत दिनों के बाद आया, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से आप एक्टिव नहीं थे यार, चैट बॉक्स में दिख रहा था मुझे भाई। आर यू में इस ईयर एचटीएमएल सीएसएस जावा आ गई बीसीए में, मैं कर सी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, रिकॉन भाई अच्छे से अगर आप करो ठीक है, जावा वगैरह है तो बहुत बढ़िया से करो। 300 वाला, 300 वाला भी बहुत अच्छा है भाई, उसके अंदर भी अपन डाल। हाँ 300 वाले में आ रही है एक्चुअल में, 300 वाला जो शुभ, जो 300 वाला है ना हमारा मेंबरशिप, दिखा दूं मैं आपको कौन से वाले के अंदर आ रहा है। ये जो है ना आपका, ये वाला, इसमें आप जाओगे ना तो ये साइबर गीक वाला जो है ना इसी में आ रहा है भी। ये जो हमारे इवेंट एक्सप्लोरेबल की, इसमें 7-8 वीडियोस बन गए हैं हमारे ठीक है ना, तो आज रात में अपलोड हो जाएंगे। एक वीडियो तो आ गया है, कल ही आ गया था। अब इसमें और धीरे धीरे इवेंट एक्सप्लोरेबल 2 के ऊपर जितनी भी लैब है ना पूरी सॉल्व करने वाले, ऑलमोस्ट सारे के सारे पोर्ट्स के ऊपर वो बनने वाला है वीडियो ठीक है ना। तो एक वीडियो तो आ गई, एक वीडियो शायद अभी रात में आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे करके एक एक वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो आपको पूरा इवेंट एक्सप्लोरेबल इसी में मिल जाएगा ठीक है ना, 300 वाले के अंदर। उसका देखो यहाँ पे सर, क्रिप्टॉक्स का लेवल 1 और लेवल 2 की लैब्स सॉल्व करना है। चलो ठीक है सैम हैकर, अभी धीरे धीरे करेंगे तो भाई सब आ जाएगा ठीक है ना। तो सी पर फोकस करूँ या जावास्क्रिप्ट? भाई जावास्क्रिप्ट फोकस करो, सी भी, सी इंपॉर्टेंट है भाई, सी तो इनिशियल स्टार्टिंग है ना, सी के बाद जावास्क्रिप्ट फोकस करो सर। कंटिन्यू मेटेक्सप्लॉइट सीरीज? हाँ बिल्कुल, मेटेक्सप्लॉइट की सीरीज तो भाई हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, पर ये मेंबरशिप वालों के लिए ही मेटेक्सप्लोइटेबल 2 ठीक है ना। हाय सर, आई एम सुरजीत भाई, लेट हो गया आज तो। ईजेपीटी करना वर्थ है क्या भाई? मैंने सुना बहुत है एक्चुअली, मैंने कभी भी मैंने देखा नहीं है अलग कोर्स, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, लिटरली मैंने देखा नहीं। ईजेपीटी कोर्स किसका कोर्स है ये? अच्छा ये क्या, कौन सा कोर्स है ये? सर्टिफिकेशन मैंने भी देखा नहीं, देखा कंटेंट देते, कंटेंट देखते हैं एक बार क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ। ई लर्निंग का है भाई ये तो, कौन सी कंपनी का है? सर्टिफिकेशन
कंटेंट चेक कर लेते हैं, कंटेंट क्या है इसके अंदर, है ना। डार्क वेब में से वेव परचेज करके उसे यूज करना सिखाओ। भाई रुक जा सुमित भाई, धीरे धीरे चलेंगे भाई, ऐसे क्या बिल्कुल ही तुम कहाँ पहुंच गए। थोड़ा ट्राई हैक मी के ऊपर भी वीडियो लाओ। अरे भाई महादेव महादेव जी, ऐसे रुको एक मिनट, धीरे धीरे लेके चलेंगे। मैं लेट हो गई आज, आप टाइम पर आया करो भाई, टाइम पर आया करो। तपन सर का टाइम का भरोसा नहीं है, पर आप टाइम पर आया करो कम से कम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखा एसक्यूएल वगैरह, हाँ ठीक है। देखो ये देखो क्रिटिकल प्रेजेंट टेस्टिंग प्रोसेस एंड मेथोलॉजीज, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बेसिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ नेटवर्क एंड वेब एप्लीकेशन, स्प्रेडिंग विद मेटा एक्सप्लॉइट एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, स्कैनिंग, प्रोफाइलिंग, टारगेटिंग, ठीक है। नेट नेटकेट फॉर बाइंडिंग एंड रिवर्सल एंड मैप, एसक्यूएल मैप फॉर ऑटोमेशन, बर्ब सूट, हाइड्रा, जॉन द रिपर, डीआर बस्टर। क्या यार तुम भी कुछ भी करने के लिए बोलते हो भाई। इसमें से काफी काफी कुछ टॉपिक तो अपन ने कवर कर लिया लाइव सेशन में ही। आप देखो इसमें से काफी कुछ टॉपिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कवर है अपना, ठीक है ना। उसके अलावा क्रिटिकल पेंशन टेस्टिंग प्रोसेस अपना कवर है, बेसिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर नेटवर्क एंड वेब एप्लीकेशन कवर है अपना, ठीक है ना। एक्सप्लोइटिंग विद मेटा एक्सप्लोइट एंड इंटरप्रेटर, ये अपना कवर है, ठीक है। मैनुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये अपना कवर है। थैंक यू सो मच महक फॉर गिविंग सुपर स्टिकर, बोलते हैं ना इसको यार, एक्चुअली मेरे को पता नहीं है ना, सुपर स्टिकर ही बोलते शायद से इसको, है ना। थैंक यू सो मच महक सुपर स्टिकर देने के लिए, ठीक है ना। ये अपना कवर है। क्या तुम्हें चाहिए यार, स्कैनिंग, प्रोफाइलिंग, टारगेट सिस्टम एंड नेटवर्क, ये अपना कवर है। नेटकेट वाला नहीं करा, ये भी करा देंगे, चलो हटाओ कोई बड़ी बात नहीं। एसक्यूएल मैप कवर, एन मैप कवर है, एसक्यूएल मैप हो रहा है, बर्ब सूट हो रहा है, हाइड्रा हो रहा है, जॉन द रिपर हो रहा है, डीआर बस्टर हो रहा है, टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल एंड राउटिंग, इसका एक बार देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको डिटेल में करवा दूंगा। लैन हो रहा है हमारा, एचटीटीपी वेब टेक्नोलॉजीज हो रहा है, सब तो हो रहा है यार। ये क्या तुम्हें चाहिए और, सब तो करवा दिया, तुम्हें क्या चाहिए, ये सब पूरा करा हुआ है भाई, ये सब तो करा हुआ है अपना, टेंशन वाली बात नहीं है। राम राम, राम राम भाई, राम राम, ठीक है ना। तो कोई जरूरत नहीं है आपको ईजीबीटी करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए कर लो वो बात अलग है, पर बाकी आपके भाई ने पूरा ही करा रखा है पूरा आपको, ठीक है ना। अब देखो ले पढ़ा यार, लाइक तो बढ़ा दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार भाई, लाइक तो डालना चाहिए ना, ऐसे क्या कर रहे हो बिल्कुल। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका देखो, विदाउट सर्टिफिकेशन और एज अ फ्रेशर जॉब कैसे जॉब ढूंढे, बिकॉज वो सभी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बिल्कुल। अब देखो रोहित वशिष्ठ ने भाई एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि तपन भाई विदाउट सर्टिफिकेशन क्या करें यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हमारी अकेडमी प्रिपेयर करती है आपको विदाउट सर्टिफिकेशन भी जॉब पाने के लिए। एएसडी अकेडमी हमारी है यार, भाई बता दूं मैं आपको, एएसडी अकेडमी जो है ना बेसिकली हमारी अकेडमी, और यहाँ पे हम लोग ना कोर्सेज कराते हैं। जिसको भी कोई कोर्स वगैरह करना है तो एएसडी अकेडमी डॉट इन जाके गूगल कर लेना, और आपको डिटेल सारी मिल जाएगी, पैकेजेस वगैरह की जो डिटेल मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसा आपको पता है कि मैं हूँ इसी काउंसिल का सीज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, और हम लोग रिद्धि और मैं 13 ईयर से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोले तमन सर आप कोर्स भेजना शुरू कर दे, अरे मजाक कर रहा भाई ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये है, अब देखो बता दूं मैं आपको कि ना इसके अलावा विदाउट सर्टिफिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप क्या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो टेक्निक क्या रहेगी वो मैं आपको कल वाले सेशन में जरूर जरूर बताऊंगा, किस तरीके से आप, मतलब वो टेक्निक क्या रहेगी जिससे आप डायरेक्टली एंटर कर सके एक इंडस्ट्री के अंदर बिना सर्टिफिकेशन के लिए भी। सर सीएच के बाद क्या करो भाई, सीएच प्रदेश भाई, सीएच अगर आपने कर लिया है तो फिर आप स्पेशलाइजेशन करो उसके बाद, क्योंकि सीएच खाली करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना आप नेटवर्क वीएपीटी कर सकते हैं, ना वेब पी वीएपीटी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं करते सीएच करने के बाद। तो उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो अगर मान लो आपने कुछ सीएच कर लिया तो आप जाके वाला फॉर्म भर देना, ठीक है ना, ताकि अगर अगर आपका कल इंटरव्यू का सेशन, अब इसमें इसमें जो फॉर्म है ये देखो, ये फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को भर देना, सेल्फ एनालिसिस प्रोग्राम विथ हैकर ब्लॉग, ठीक है, इसको जाके भर देना। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके बहुत सीरियस तरीके से आंसर देना, जो सीरियस तरीके से आंसर देगा ना तो उस कंडीशन में आपका आपको मैं सेलेक्ट करूंगा, और उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी करियर के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, बिना बिना सर्टिफिकेशन, बिना एक्सपीरियंस सबके, बिना उसके भी आप कर सकते हैं। सर एंड्रॉइड 12 का पेलोड के बिना कैसे हैक करें, भाई नहीं हो सकता, आप छोड़ दो वो एंड्रॉइड फोन हैकिंग, तो हम लोग नहीं करते उस चीज के लिए। भाई आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं भाई, हम तो बहुत कर रहे हैं, पर ठीक है यार आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर वेयर कैन आई लर्न साइबर फॉरेंसिक सो दैट आई कैन इंक्लूड दिस इन माई वर्कशॉप एट माई कॉलेज, एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट हैकर ब्लॉग इन माई कॉलेज। बहुत बढ़िया बात है अक्षय, बात बहुत अच्छी बात है भाई। साइबर फॉरेंसिक को आप ना मोबाइल फॉरेंसिक और हार्ड डिस्क फॉरेंसिक तक रख लो, उतना ही काम चल जाएगा आपका,
विच कोर्स सर, विच कोर्स इज बेस्ट, सीएच और एएसडी का कोर्स? तो बता दूं मैं आपको कि यार एएसडी अकेडमी का कोर्स, मैं कभी किसी की कोर्स की बुराई नहीं करता और अच्छा ही नहीं करता, सब अपनी जगह बढ़िया, डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा आता है। ठीक है ना, हम यहाँ कोर्स बेचने नहीं बैठे कि भाई आप आओ अकेडमी में एडमिशन लो वरना मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ रिद्धि, और मैं पढ़ाते ही अभी भी हैकर ब्लॉग पे, और आज के 10 साल के बाद भी आप हमें फ्री में पढ़ाते ही देखोगे यहाँ। ठीक है ना, यहाँ का कॉन्टेंट कभी नहीं बंद होने ना यहाँ पे होने वाला है, ना हैकर ब्लॉग इंग्लिश पे होगा, इस पर भी आज वीडियो आ जाएगी, मैंने रिकॉर्ड करी है, और ना हैकर ब्लॉग लाइव पे कभी बंद होगा, तीनों पे चारों पे फ्री में कंटेंट आएगा हमेशा। ठीक है ना, पर आपको किसी को पर्सनल 1-to-1 करना है तो वो बात अलग है, तो उसके लिए तो वही पे करना पड़ता है। तो अगर आप बोलेंगे भाई सीएच भी बढ़िया है और सीएच भी हमारे अकेडमी में पढ़ाया जाता है, तो अगर आप ये अकेडमी ज्वाइन करोगे तो सीएच आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, बीसीए के बाद क्या करूं, और सभी फर्स्ट ईयर ने और अभी फर्स्ट ईयर में, तो अभी कैसे और क्या प्रिपरेशन करूं? भाई साइबर सिक्योरिटी में जाना है, बीसीए फर्स्ट ईयर में है तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रामिंग स्किल्स पे फोकस करो, नेटवर्किंग बेसिक्स प्रिपेयर कर लो, और साथ में जो हमारा ये चल रहा है ना, जो हमारा हैकर ब्लॉग के ऊपर जो भी लाइव सेशन आते हैं सबको अटेंड करो, और पीछे के जो छूट गए उनको रिविजन कर लो, बस इतना ही काफी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो 1-to-1 कोर्स करने का शौक है, और मान लो चाहते हैं 1-to-1 कोर्स करना, चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके भर देना अगर इनकेस 1-to-1 कोर्स करना है तो। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक क्या है भाई? डिजिटल फॉरेंसिक जो है ना, बेसिकली उसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग है ना डेटा कलेक्शन करने का काम होता है, जैसे मान लो अटैक हो गया, हाय है ना दोषी, अगर इन केस अगर अटैक हो गया तो उस कंडीशन में आप वहां से कैसे आप इंफॉर्मेशन, वहां से कैसे एविडेंस गैदर करोगे, दैट कम्स अंडर डिजिटल फॉरेंसिक। फॉरेंसिक करके जैसे मान लो हार्ड डिस्क से डेटा रिट्राइव करना हो गया, ठीक है ना, मोबाइल के फॉरेंसिक करना जिसमें से डेटा कौन सा प्रेजेंट है वो चीज देखना हो गया, भाई फिशिंग पर वीडियो चाहिए, भाई फिशिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो ला चुका हूँ सोशल इंजीनियरिंग सेट टूल किट के ऊपर, आप एक बार जाके देख लो, नहीं आपको समझ में आता तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको, आप कहीं मत जाओ, आप इतनी मेहनत मत करो, तपन भाई बैठा है आपकी मेहनत करने के लिए। ठीक है ना, तो मैं आपको सेट टूल किट का वीडियो का लिंक भी दे देता हूँ, सेट टूल किट किधर बनाया मैंने, बनाया कि देखो 1 मिनट, इनसिक्योर, आप एक तो इसमें देख लेना बैंक अकाउंट हैक कैसे करें, इस वाले वीडियो में भी देख लेना, फिशिंग अपन ने इसमें भी करी है भाई, ये देख लो। ठीक है ना, ये भी एक बार जाके चेक कर लो आप गाइस, उसके अलावा मैं एक और लिंक दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ अभी आप, और वीडियो को भाई यार एक बार लाइक कर दो यार, अगर मान लो पहुंच गए यहाँ तक और देखते देखते हैं तो। उसके अलावा दिखाता हूँ मैं आपको कौन से वाले पे जाना है, क्रिप्टोग्राफिक हेडर ब्रोकन, भाई इतने सेशन ले लेना तो मैं भी भूल जाता हूँ कौन सा सेशन ले लिया अपन ने, लेट्स है कालिनेक्स पोस्ट एक्सप्लोरेशन हो गया हमारा, कालिनेक्स के अंदर ये भी एक सेशन अपन कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने अपन ने ओवास टॉप 10 कंप्लीट कर लिया, धीरे धीरे इनको भी कंप्लीट करेंगे। ये रहा सेट टूल किट भाई, ये रहा भाई, आप नीचे आके देखोगे ना प्लेलिस्ट में खूब चीजें, आप लाइव सेशन में जाके चेक करना, खूब मजा आ जाएगा आपको भाई, अंधाधुन अपन ने चीज बनाई, मतलब कंटेंट इतना भरा पड़ा है कि अगर आप देखने बैठ गए ना, लिटरली दे रहा हूं मैं आपको, ये सारा जो कंटेंट है ना आप है ना किसी के ना पेड कोर्स में भी नहीं ले सकते, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कि आप लाइव में जाना, लाइव में जाने के बाद आप जो हमारे कंटेंट को देखोगे ना, तो भाई ये कंटेंट जो है ना वो उस लेवल का कंटेंट है जो आपको पेड क्लास के अंदर भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और वही चीज हम सिखाते हैं यहाँ पे, एंड बहुत ईजी तरीके से, तो मेरे हिसाब से आपको मजा आ जाएगा मतलब, और काफी कुछ फ्री में, सब कुछ है भाई, सब कुछ फ्री में ही है अपने यहाँ पे। ठीक है ना, लावेश भाई, लावेश भाई कैसे, बढ़िया बैड बॉय, में डिप्लोमा में क्या क्या सीखने को मिलेगा? भाई डिप्लोमा में हर चीज मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी इट्स नॉट वन बट साइबर सिक्योरिटी इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, इसलिए आपको डिप्लोमा सब मिलेगा, कोडिंग मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगा, कोडिंग में वेब डेवलपमेंट मिलेगा, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट मिलेगा, और उसके बाद जाके साइबर सिक्योरिटी मिलेगा, और साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन अंडर मी एंड रिद्धि आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अब इससे बड़ा क्या चाहिए यार, अपन को लाइव इंटर्नशिप मिल रहा है, और कैसे लाइव इंटर्नशिप मिलेगा, जॉब रेफरेंस मिलेगा, जॉब प्लेसमेंट गारंटीड ही मिलेगा अगर आप 50 जो है सुपर 30 वाला बैच ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा और कुछ ज्यादा सर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताओ भाई, बेसिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं इसके अंदर बता दूं मैं आपको, साइबर सिक्योरिटी में अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो वो आप डालते, जैसे मान लो कि हमने एक पैकेट एनालिसिस फ्रेमवर्क बनाया था जो जो पैकेट एनालिसिस के बिहाफ पे फायरवॉल के रूल्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना यार, उसके अंदर आप किसी भी साइट का वीएपीटी कंप्लीट वीएपीटी करके कैसे पैचिंग करते हैं ये भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सर्वर का टेस्टिंग करके, सर्वर के कॉन्फिगरेशन रिव्यू करके, या फिर पर्टिकुलर सर्वर में अगर इंटरनल कोई हार्डनिंग में इशू है उसको कैसे रिमोटली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपडेटेड वर्जन को अगर अपन ने यूज कर रखा है तो, यही सब चीजें चलता है इसमें और कुछ नहीं चलता। साइबर सिक्योरिटी सबसे मैं सबसे हार्ड सब्जेक्ट और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा भाई? साइबर सिक्योरिटी सबसे हार्ड और इजी कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आपको समझ में आता है, कुछ लोगों को नेटवर्किंग समझ में नहीं आती है,
प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, तुमने प्रोग्रामिंग इजी हो गया, नेटवर्किंग हार्ड हो गया। किसी लोगों को कुछ को ना नेटवर्किंग इजी इजी लगती है और नेटवर्किंग इजी लगती है, प्रोग्रामिंग हार्ड लगती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आता है। वही इजी और हार्ड कुछ ना डिपेंड करता है कि हमें समझ में आता है नहीं आता। अगर कोई ट्रेनर आपको समझा ही नहीं पा रहा तो वो आपके लिए हार्ड है। जो ट्रेनर आपको आराम से समझा दे वो आपके लिए ईजी है। हैक द बॉक्स बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल भी ट्राई करा होगा। मैंने जब मैं रिव्यू पढ़ता हूँ ना आप लोगों के, तो मुझे पता चलता है, तो मैंने देखा था कि हैक द बॉक्स बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ट्राई करा था, उनको समझ में नहीं आया हैक द बॉक्स। बट हमारी एक एक वीडियो, दो दो वीडियो आई हैक द बॉक्स को, उनको काफी कुछ क्लियर हो गया और उन्होंने 8-8 लैब सॉल्व कर दी इसके अंदर। सो इट्स टोटली डिपेंड हाउ यू आर एबल टू टीच, लाइक हाउ यू आर एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, फ्रॉम द ट्रेनर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि बॉस आपको ट्रेनर जो है ना कैसे पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली समझ में आएगा, वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा या फिर आप ढंग से नहीं समझ पाओगे तो फिर चैलेंज होएगा, तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है ना सर। एज अ फ्रेशर आपके चैनल पे कौन सी प्लेलिस्ट पहले करें? तो मैं भाई बता दूं मैं आपको, अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, तो मैं एक प्लेलिस्ट आज रात में डेवलप करके ही सोऊंगा। दादू मैं आपको यहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर फ्रेशर ऐसा करके, है ना, बिगनर टू एडवांस रहेगा, जिसमें मल्टीपल प्लेलिस्ट रहेगी, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेना तो आपको मिल जाएगा। मैं आज बना दूंगा भाई आपके लिए, रोहित भाई आपके लिए बना रहा हूँ वाली प्लेलिस्ट। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम हैक करना है, तो भाई लवेश भाई अगर आपको इंस्टाग्राम हैक करना है तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लो ना भाई। यार लाइव वीडियो पे जाओ, लाइव वीडियो पे जाने का, नीचे स्क्रॉल करने का, टॉपिक ढूंढने का और फिर इसको देखने का और फिर यूज करने का, उसमें आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, प्लस क्या करना है क्या नहीं करना सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग हो गया, नीचे आते अपन। एक मिनट बताऊँ मैं आपको कहाँ पे, ये नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ। ये रहा भाई हाउ टू हैक गर्लफ्रेंड्स अकाउंट, ये रहा पूरा बना रखा है भाई। थोड़ा सा नीचे आके प्लेलिस्ट पे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डालने अपन ने, इतने ऐसे टॉपिक हैं जो दिमाग घुमा देगा आपका। ये लो चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ मैं भाई, वीडियो को लाइक कर दो यार, देख लिया ये वीडियो इतना तो, और अगर आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से क्या चल जाता है, कुछ नहीं चल जाता, फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया जाए। और सर वेयर कैन आई लर्न फॉरेंसिक, कैन यू रिकमेंड सम वीडियोस? तो भाई फॉरेंसिक भाई एक बार देखना पड़ेगा भाई मुझे, एक बार है ना, मुझे पता नहीं है, मैं बता सकता हूँ, मतलब देख के बताऊंगा, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता मैं आपको। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना सर, इन इंडिया ओपनिंग प्राइवेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कंपनी इज लीगल और नोट। भाई बता दूं मैं आपको कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कंपनी आप खोल सकते हो, पर चैलेंजेस बहुत मिलेंगे। ठीक है ना, पर अगर आप चैलेंजेस को पार कर लोगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दादू मैं आपको दोनों चीजें, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पर बेनिफिट्स बहुत है, सक्सेस बहुत है। सर आप जो वीडियो बनाते हो वो लोग पेड भी नहीं देते और इतना डीप में, बिल्कुल रोहित भाई थैंक यू सो मच कि हमारे कंटेंट को आप पसंद करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दें और मतलब दिल से कंटेंट बनाते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया बस टॉपिक कवर करना है। कई बार अगर हमसे टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो पाता ना या फिर डिटेल में टॉपिक नहीं मिलता ना हमें, तो हम लोग टॉपिक वीडियो नहीं लेते। आप देखा हो 2-3 दिन 4 दिन तक कभी अगर वीडियो नहीं आती क्योंकि हमें टॉपिक नहीं मिल रहा था अच्छा टॉपिक जो हम पढ़ा सके। आएंगे तो कुछ आपका टाइम यूजफुल होके जाएगा, और अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा वाला से। भाई आपने फ्री में बहुत दे रखा है, थैंक यू सो मच धनो भाई। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की धीरे मैंने आपको ठीक है रिकमेंड कर दिया। सर जयपुर में साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है क्या? भाई जयपुर में साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा के लिए मुझे देखो डिपेंड, ये इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता एक्चुअली इसके अंदर, कि भाई जयपुर के अंदर मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, मुंबई मिल जाए, डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट करवाता क्या है, फिर कौन करवा रहा है, जो सिखा रहा है वो कौन है। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग सिखा रहे हैं तो हम लोग क्या कि कंपनीज में काम करते हैं, 13-14 साल हो गया हमें कंपनी में काम करते करते। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब वो उम्र हो चुकी है हमारी काम करते करते। सो वी गेट एन एक्सपीरियंस फ्रॉम द कंपनी एंड वी आर डिलीवरिंग इट टू यू, कि बॉस तुम्हें सीखने के लिए मिल जाए और कल के दिन आप भी हमारे साथ में स्टैंड करके कंपनी में काम करते, क्योंकि हमारे कंपनीज में टेक्निकल बंदे ही कम मिलते हैं हमें, तो इसलिए हम लोग सिखा रहे हैं। अब जैसे मान लो कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में, अगर वहाँ पे ना मान लो बंदा फ्रेशर ही है, उसने खुद ने कभी कंपनी में काम नहीं करा, तो क्या सिखाएगा आपको? दैट इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कंपनी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं कर रही, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही वो ऐसे लोगों के साथ में कर रही जिसने कभी करा ही नहीं काम, या फिर वो खुद भी पहली बार काम कर रहा है, तो दैट एक्चुअली मैटर्स। तो इसलिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट पहले ढूंढने से पहले पहले ये चेक करो कि वहाँ के जो बंदे हैं ना वो कितने टेक्निकल है, उन्होंने कभी काम कराया नहीं करा, मतलब ये ऐसे कि आप चांद तक गए नहीं और आप बता रहे हो कि देखो चांद का रास्ता वो है ना वो बगल वाली गली से निकल के जाएगा, ऐसा वाला सीन है। उसके अलावा देखो मालवेयर एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक, बग बाउंटी, रिवर्स इंजीनियरिंग, सबसे इजी टॉपिक कौन सा है, सबसे हार्ड कौन सा है? भाई बता दूं मैं आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा हार्ड है और मालवेयर एनालिसिस भी हार्ड है, डिजिटल फॉरेंसिक और बग बाउंटी थोड़ा सा इजी है इनके मुकाबले। बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर हैकर, भाई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होती है, वैसे तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट पकड़ सकते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज विंडोज गुड फॉर हैकिंग? बिल्कुल हैरी, बिल्कुल सही है, विंडोज अच्छा है हैकिंग के लिए, पर आपको लिनक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा समहाउ, क्योंकि आपको काफी कुछ है ना लिनक्स पे अच्छी चीजें मिल जाएंगी और विंडोज पे चीजें बहुत लिमिटेड है। साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए क्या करें? तो भाई साइबर सिक्योरिटी जाने के लिए कुछ मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमेशा रेगुलर जो सेशन आ रहे हैं उनको देखते चलो, पीछे सेशन को रिवाइज करते चलो।
सर मुझे डिप्लोमा करना है, बैट बॉय कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा करना है, चैटबॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके भर देना, डिटेल पूरी मिल जाएगी सर। हैकर ब्रो एनमैप लैन के लिए होता है या फिर किसी भी आईपी स्कैन करते हैं? हैकर बता दूं मैं आपको कि जो एनमैप है ये सबके लिए होता है, वो नेटवर्क का आईपी हो कि वैन का आईपी हो या फिर किसी भी सर्वर का आईपी हो, सबको स्कैन कर देता है वो। फिर देखो यहाँ पे देखा है भाई, आप है ना स्पैम मत करो, क्योंकि मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं, मैं हर एक बंदे का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है ना सर। एंड्रॉइड टेस्टिंग में स्कोप कितना है, बिकॉज स्कोप कितना है, बिकॉज मैक्सिमम लोग आज ऐप ही यूज करते हैं। बिल्कुल बता दूं मैं आपको, ऐप टेस्टिंग जो है वो बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है, और इसके अंदर भी स्पेशली आप आईओएस टेस्टिंग में जाओगे तो एक बहुत अलग लेवल का स्कोप है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है कॉमन सबके पास है, पर आईओएस टेस्टिंग में बहुत लिमिटेड लोग है, ठीक है। मैंने दिल की बात कह दी अपनी दारों में आपको, सर आईपी स्कैन कर सकते हैं दे दिया मैंने आपको ब्रो एंड मैप से दे दिया भाई। हैकर भाई आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पेस मत करो, आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे पर स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सर मैं बीटेक कर रहा हूँ, कौन सी कोडिंग पे स्किल बनाए, मुझे हैकिंग में जाना है। तो भाई बता दूं अनुज भाई, अगर आपको कोडिंग में थोड़ा सा अपना हाथ अच्छा बिठाना है और साइबर सिक्योरिटी में आना है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज फ्रंट एंड बैक एंड साथ में करना पड़ेगा। पीएचपी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये तीनों कर लो आप, और पीएचपी और माईएसक्यूएल ये तीन कर लोगे बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सर चैट जीपीटी के बारे में क्या कहना है, तो भाई समवन इज शेयरिंग, तो बिल्कुल चैट जीपीटी पे मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँ, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा है, तो मैं क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पे लेकर आऊंगा ना वीडियो, तो मुझे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देना पड़ेगा, मुझे सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो मैं रिसर्च करके मैं लेकर आऊंगा। तो चैट जीपीटी इज अ टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग डेज, बहुत जल्दी मैं 2-3-4-5 दिनों के अंदर लेकर आऊंगी इसके ऊपर टॉपिक। सर आपने सर कैसे अपने नॉलेज को टेस्ट करें कि हम जॉब के लिए रेडी हैं या नहीं, तो महादेव बता दूं मैं आपको, इसके लिए आप हमारा ये जो है सेल्फ एनालिसिस टेस्ट वाला प्रोग्राम है वो आप अप्लाई करें, इसको आप देखें जरूर। देखो ये जाने वाला है ना सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, तो इसको आप देखें जरूर, क्योंकि इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या लायक हो क्या उस चीज के जिसके आप अप्लाई करने जा रहे हो, डायरेक्टली विद मी तपन कुमार झा, ठीक है ना गाइस। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छे से, मतलब ये शायद कल आएगा या फिर मोस्ट प्रॉब्ली आपको संडे को आएगा, कल मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो अगर कल नहीं हो पाया तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग संडे को लेकर आएंगे, बट देखना जरूर भाई। और अगर मिस भी कर दो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इसका जो है ना मतलब वीडियो जरूर देखना, इट विल बी अराउंड 1.5 1.30 आवर्स का होगा, मतलब 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली होगा, 5 बच्चों के बहुत अच्छे इंटरव्यूज होंगे इसके अंदर। सीसीएनए करने का कुछ फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल सीसीएनए करने का आपको नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत फायदा मिलने वाला है। हाउ टू लर्न एथिकल हैकिंग ब्रो, सो इट्स एलएमआईएन, तो भाई एलएमआईएन बता दूं मैं आपको, भाई अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो आप चैट हमारे सेशन में बने रहो, लाइव पे जाके बहुत सारी वीडियोस दे रखी, सबको वन बाय वन देखना शुरू कर दो। सर डार्क वेब कैसे एक्सेस करेंगे? भाई डार्क वेब के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत शानदार वीडियो ला चुका हूँ, जाके देख लो भाई, दिखाता हूँ मैं आपको लाइव में, जाओ आप, बहुत प्यारी है, बहुत 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 प्यारा सेशन था यार वो, वाकई में बता रहा हूँ मैं आपको। जितने लोगों ने देखा ना कि भाई बोला कि इससे बढ़िया सेशन हमने आज तक नहीं देखा डार्क वेब के ऊपर, और आपको यकीन नहीं होता ना तो आप एक बार जाके देख लेना, और आप यू विल नॉट रिग्रेट, कमेंट में डाल देना कि सर बेकार बनाया वीडियो आपने, डैम श्योर कमेंट में भर दोगे ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेशन इतना तगड़ा बना था वो, और वैसा सेशन आज तक शायद मतलब और भी होंगे, पर एक साथ सीक्वेंस में एक एक ही वीडियो में सब चीजें नहीं मिलेगी आपको, अलग अलग वीडियो में जरूर मिलेगी। ये वाला डार्क वेब के ऊपर बहुत तगड़ा वीडियो था ये, इसके अंदर लाइव प्रूफ दिए हैं डार्क वेब के अंदर पूरा, मैं डार्क रूम तक, मैं रेड रूम तक मैं एक्सेस करके दिखाया है मैंने, सब लाइव, सब लाइव, और अभी भी लिंक्स लाइव है उसके, गो एंड चेक इट आउट गाइस। भाई वीडियो को लाइक एक बार लाइक तो कर दो यार, इतनी देर से अपन बात बात कर रहे हैं, तो भाई अच्छा आपको कोई क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, जिन जिनके क्वेश्चन के आंसर मिलते चले प्लीज एक बार लाइक ठोकते चले वीडियो के ऊपर। उसके अलावा सर लाइनेक्स में कौन सा फ्लेवर यूज करूँ, तो भाई फ्लेवर के अंदर भाई मैं तो यूज कर रहा हूँ पैरेट सिक्योरिटी यूज कर रहा हूँ, तो मैं तो यही चलता है, ठीक है। फ्यूचर में चैट जीपीटी कैसे टेक की वजह से क्या हैकर की जॉब को भी खतरा? अरे भाई ऐसा कुछ जॉब में वो खतरा वतरा मत लो, कि भाई देखो जॉब को एक एक ह्यूमन माइंड को कभी भी कोई एआई भी क्या कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई को भी बनाया किसी इंसान नहीं है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप कितने अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जीपीटी है कुछ भी है, अब मुझे पता नहीं जीपीटी है भी क्या, पर मैं थोड़ा पढ़ूंगा इसके बारे में, कुछ भी आ जाए, कितना ही एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपन को हिला नहीं सकता भाई, समझ में आ रहा है। सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या करूँ, मैं हैकिंग सीखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जोकर डॉट exe, मैं भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से, मैं भी तो कर रहा हूँ ना साइबर सिक्योरिटी, तुम भी कर लोगे, ऐसा क्या चीज है साइबर सिक्योरिटी में, सब कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। चैट जीपीटी से जॉब थोड़ी चालू जाएगी, कुछ नहीं आने वाला, टेंशन मत लो सर, व्हाट्सएप ग्रुप है, अरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई, फोटो देखने का, लाइक मारने का, कमेंट ठोकने का, उस पर
लो इधर डालता हूँ मैं चैट बॉक्स के अंदर। चलो ठीक है सर, शादी की पार्टी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं भाई, आज शादी की पार्टी करेंगे साथ में यार। अभी तो कहाँ, अभी तो बहुत सारी पार्टी बची हुई है, अभी आपके उधर आएंगे तो फिर बिल्कुल सब्सक्राइबर, अपन सब्सक्राइबर मीटअप करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। शादी के बाद मैम की क्लास बहुत कम आ रही है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसका अभी एंड होने वाला है, तो अब जाके है ना मैम की क्लास जो है ना रेगुलर आना शुरू हो जाएगी, टेंशन मत लो। सर टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस के बारे में बताओ थोड़ा सा। बादू भाई मैं, ये जो हमारा सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होने वाला है, ये बेसिकली इसके अंदर हम 5 लोग चूज करेंगे, उन 5 लोगों के रिज्यूम प्लस डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे हम लोग, उसके हिसाब से उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसमें जो भी गलतियां होंगी उसके लिए उनको गाइड करा जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट दिखेगी भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको आपको जॉब, आपकी जो स्किल है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और आपको क्या करना चाहिए जॉब अगर आपको पाना है, तो इस चीज के लिए गाइड करा जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छा है। सर आपकी वीडियो में बिगनर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब तो सबसे पहले कौन सी प्लेलिस्ट देखूँ, तो भाई इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है ना, यहाँ पे एक टैब बना हुआ जाएगा, कल सुबह आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक टैब बना जाएगा बिगनर टू एडवांस, उसमें सारी प्लेलिस्ट की लाइन वाइज होंगी, पहले कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, सब चीजें आएंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखो व्हाट्सअप बना दीजिए प्लीज भाई, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बनाते, एक्चुअली मैं खुद एक्टिव रहता नहीं हूँ, मैं जितना टाइम मिलता है ना वो मैं यूट्यूब पे निकाल देता हूँ, मैं मतलब मेरा जितना टाइम मिलता है ना मुझे, मैं यूट्यूब पे ही निकाल देता हूँ, इस चक्कर में मैं व्हाट्सअप ग्रुप मैनेज नहीं कर पाऊंगा, और बना के कोई मतलब नहीं है सर करने का, ठीक है ना। उसके अलावा देखो शादी के बाद, ठीक है ये हो गया। रिद्धि मैम मेरी बेस्ट टीचर है, मैं जनाब आपके 100 सब्सक्राइबर्स हैं थे तब से हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है हैकर भाई कि ना रिद्धि मैम आपकी बेस्ट टीचर है, एंड आप 100 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे साथ में, धन्यवाद। आई होप कि आपने हमारी जर्नी को एंजॉय करा होगा, और जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं आप भी हमारे साथ में ग्रो कर रहे होंगे अपनी स्किल के अंदर। सर C++ हैकिंग के लिए में कोई यूज होती है, यूज है नहीं भाई, कोई यूज नहीं है C++ का, पर नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि लॉजिक्स बिल्डिंग जरूरी है। कोलकाता में मीटअप कब करोगे सर? बिल्कुल जल्दी करेंगे, जब करेंगे तो आपको बताया जाएगा, और अगर आपने हमारा मतलब ये जो है कौन सा है, मैं नाम भूल गया एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था, सॉरी गाइस एक सेकंड नीचे अपन देख लेते हैं। हाँ अगर आपने हमारा, एक सेकंड इधर आते हैं अपन, हाँ यहाँ पे कोई एक फॉर्म था, हाँ ये वाला किधर चला गया? अच्छा ये पुराना है कि नया है? आस्क योर क्वेश्चंस, थोड़ा कहीं पे मिस हो गया है, तो आप प्लीज हमारा वाला फॉर्म भर देना, ठीक है ना, कैंपस एम्बेसडर वाला, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। और एक बार चेक कर लेते क्या दे रखा है, ये दे रखा, कैन यू रिकमेंड सम टॉपिक्स अदर देन साइबर क्राइम बिकॉज आई एम गिविंग वर्कशॉप टू जूनियर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट। सो भाई जूनियर पे कर रहे हैं तो आप उस पर कर लो, फुटप्रिंटिंग स्कैनिंग और फाइंडिंग एक्सप्लॉइट्स, या फिर आप बग बाउंटी पे कर लो तो भी बढ़िया हो जाएगा, बग बाउंटी देख लो आप, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी में करना चाह रहे हो तो। ब्रो आई कैन लर्न, कैन आई लर्न हैकिंग यूजिंग मोबाइल एंड हाउ टू डाउनलोड कनेक्ट इन एंड्रॉइड? भाई एंड्रॉइड के अंदर मत करो कुछ भी, ठीक है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि बॉस अपन कर सकते हैं, ये सब चीज हो सकता है, पर मेरे हिसाब से है ना मोबाइल इज नॉट गुड, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आपको कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, मोबाइल को मत यूज करो, मोबाइल को जिसलिए बनाया गया ना उसी को यूज करने दो। सर गुड़गांव कब आ रहे हो? बिल्कुल जल्दी आएंगे, गुड़गांव तो आना आना लगा ही देता है हमारा, ठीक है, जब आएंगे तो जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। सर आई कांट एफोर्ड योर ओवास्प टॉप 10 प्लेलिस्ट, आई कैन नॉट फाइंड योर ओवास्प टॉप 10। अरे भाई ऐसे क्या, अभी दिखा देते हैं आपको किधर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो यार, दिखाता हूं मैं आपको, रुको। इसके अलावा देखो प्लेलिस्ट में जाओ, वेट स्पेशल क्रेडिट प्लेलिस्ट, वो स्टॉप, ये रहा भाई, ये लो पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूं मैं, पूरा वीडियो देखना भाई ढंग से, आगे भाई ने एक नंबर चीज बनाई है, अच्छे बजेगा भाई, इतना क्या बजना है, ये लो लिंक डाल रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में, रोइयो मत अपन सर ने दिया नहीं ठीक है, अब देखो ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या, सर सी में लॉजिक नहीं लगा पाता हूँ, क्या करूँ, हेल्प मी। तो भाई सी के अंदर लॉजिक लगा नहीं पा रहे, तो उसके लिए करना क्या आपको, कि आपको पहली बात तो थोड़े से आप बेसिक्स क्लियर करो सी प्रोग्रामिंग के, और अच्छे से सीखो पहले सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि यार ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यार भाई मेरे लिए भी है। कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कॉलेज के अंदर हमारा कैंपस एम्बेसडर जो प्रोग्राम है तो वो चीज है, ठीक है ना, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। सर हैक द बॉक्स की मशीन यूट्यूब से डाक कर सॉल्व करते हो? सर हैक द बॉक्स की मशीन यूट्यूब से देख कर सॉल्व करते हैं, तो भाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप यूट्यूब से देख के सॉल्व करो, पर समझो उस चीज को कि कैसे वो सॉल्व होती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फहीम शेख भाई, कैन यू टीच अस मेकिंग अ पेलोड
परसिस्टेंट डेमोन भाई, इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं मोबाइल फोन हैकिंग के लिए, तो आप मत करो कोर्स, क्योंकि कि वो लेटेस्ट वर्जन पे सपोर्ट नहीं करेगा। सर आप कहाँ रहते हो? भाई मैं घर में रहता हूँ मैं राजस्थान में रहता हूँ, कोटा के अंदर। सर गिटहब क्या है? तो भाई गिटहब एक है ना, एक क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के कोड अवेलेबल होते हैं, रिपोजिटरीज होती है वहाँ पे, और जिसको बहुत सारे डेवलपर मिलके मतलब साथ में डेवलपमेंट कर सकते हैं वहाँ पे गिटहब के ऊपर। सो ये गिटहब की कम्युनिटी बोल सकते, मतलब ये कोड की कोडर्स की कम्युनिटी बोल सकते हो आप इसको। सपोर्ट फिगर लैब का बाकी एक्सप्लॉइट्स की वीडियोस कब लाओगे? बिल्कुल जल्दी लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। रिद्धि मैम प्रिपेयर कर रही है उसके ऊपर वीडियो, तो मैम लेकर आएगी। सर काली का, सर काली का ऑनलाइन सर्वर मैं सब यूज कर सकता हूँ? सर काली का ऑनलाइन सर्वर मैं सब यूज कर सकता हूँ? भाई मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया अनुज भाई, नाम ग्रीन कलर में कैसे आ रहा है? भाई जोकर एक्सी का नाम ग्रीन कलर में कैसे आ रहा है? तो भाई जोकर का नाम, अरे ग्रीन कलर में कौन सा आ रहा है भाई? पता नहीं भाई कैसे आ रहा है। गूगल का हॉल ऑफ फेम अवार्ड क्या होता है, इससे बेनिफिट? भाई हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो होता है ना, बेसिकली अगर आप गूगल में कोई बग्स ढूंढते हैं, तो आपको गूगल अपने ही वेबसाइट के ऊपर है ना लिस्ट करता है। तो गूगल मतलब समवन इज शेयरिंग मैजिक, अरे हमारे साथ मैजिक वैजिक शेयर करो, क्या कर रहे हो मैजिक वैजिक शेयर? एक मिनट, चलो ठीक है गाइस, कुछ और क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में डाल दो, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। और आई होप आपने सेशन एंजॉय करोगा। पैरेट सिक्योरिटी, पैरेट और पैरेट सिक्योरिटी अलग अलग है? अरे नहीं, दोनों एक ही भाई, पैरेट और पैरेट सिक्योरिटी। तोता, तोता मांगने कहाँ जाओगे आप? तोता वाला जो सिक्योरिटी है ना, वो एक ही है, पैरेट सिक्योरिटी एक ही है, और वही आप यूज करें ठीक है। तो गाइस चलो ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अभी अपने सेशन एंजॉय कराओगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने सारे दे दिए ऑलमोस्ट ठीक है ना। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। कल या परसों के अंदर हमारा जो ये वाला सेशन रहेगा, ये देखना ना भूलें आप। और प्लीज अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है, सर व्हाई यू आर नॉट कंटिन्यूइंग योर मेटा एक्सप्लॉइट सीरीज? भाई मेटा एक्सप्लॉइट सीरीज कौन सा एक्सप्लॉइट? मेटा एक्सप्लॉइट कर तो दी, और कौन सी बची है भाई मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर? एक्सप्लॉइट करने के लिए टारगेट मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है? भाई ब्लू क्यूब के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी मैं ठीक है ना। रेफरेंस इन न्यूज लेटर नाम डाला था मेरा, बहुत बढ़िया बात है रोहित भाई, रोहित भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने दो गवर्नमेंट की दो वेबसाइट पे बग ढूंढा था, फिर NCIIPC ने न्यूज लेटर में नाम डाला था मेरा, बहुत बढ़िया। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो ठीक है गाइज, आज के लिए यहीं पर ऑन ऑन रहने देते हैं, फिर बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है। गुड नाइट गाइस, अब आप जाओ सो जाओ, और मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, अपनी ऑडिट कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।